हेलो फ्रेंड्स, और आज हम बहुत ही छोटे पॉकेट साइज रेनकोट का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इस प्रोडक्ट को मैंने शॉपक्लूज के जॉ ड्रॉपिंग सेल से खरीदा था, तो चलिए इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं। ये प्रोडक्ट मुझे 49 रुपीज़ में कुछ कूपन अप्लाई करने के बाद मिला, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। सो यहाँ पे सामने की तरफ है ये इनवॉइस, सो इस इनवॉइस को साइड में रखते हैं और देखते हैं इस प्रोडक्ट का फिजिकल ओवरव्यू। ओके, सो ये रहा वो रेनकोट। काफ़ी छोटा और पॉकेट साइज रेनकोट है। इस रेनकोट को बड़ी आसानी से आप अपने पॉकेट में, वॉलेट में, पर्स, बैग, कहीं पे भी आप कैरी कर सकते हो। ये प्रोडक्ट काफ़ी लाइट वेट और इजी टू कैरी है और इमरजेंसीज में आपके बहुत काम आएगा। वैसे ये प्रोडक्ट इम्पोर्टेड है और इस पैकेजिंग के साथ आता है। इस प्रोडक्ट के अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो है पॉलीथीन। वैसे पॉलीथीन, जैसे आप सबको पता है, जो वेजिटेबल वेंडर्स के यहाँ पे जो प्लास्टिक बैग्स मिलती है वो इसी मटेरियल की बनी हुई होती है। तो चलिए इस रेनकोट को पूरी तरह ओपन करते और देखते हैं हमें क्या साइज़ और क्या लेंथ मिलती है इस रेनकोट में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मटेरियल जो है पॉलीथीन, ये वाटर रेजिस्टेंट तो है लेकिन ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। सो अगर आप इसे किसी वन टाइम यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि आप कोई हिल स्टेशन पे जा रहे हो या कोई वेकेशन पे या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे बारिश कभी भी हो सकती है, ये सब चीज़ों में ये प्रोडक्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट को आप बार बार डेली यूज़ के लिए यूज़ करने वाले हो तो ये प्रोडक्ट आपके ज़्यादा काम नहीं आने वाला, क्योंकि इसके फटने के चांसेस ज़्यादा है। इस प्रोडक्ट की साइज़ की बात करें तो ये प्रोडक्ट आपको एक्सेल साइज़ में मिलेगा। अगर आपकी साइज़ एक्सेल से ज़रा भी ज़्यादा है तो आप प्लीज़ इस प्रोडक्ट को मत लीजिए, क्योंकि आपके ट्रायल के टाइम पे ही ये फट जाएगा और एक्सीडेंटल डैमेज इस पर रिटर्न्स एप्लीकेबल नहीं होती है, तो इस बात का आप प्लीज़ ध्यान रखिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।